हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड, ONGC ने अलग अलग स्टेट के लिए टोटल 922 पोस्ट पे अलग अलग ब्रांचों के लिए वैकेंसी निकाल रखी फ्रेंड, जिसमें डिप्लोमा होल्डर जो कैंडिडेट हैं तथा ITI होल्डर जो कैंडिडेट हैं वो इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया दे रखा है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि इस तरह का जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको आसानी से मिलता रहे। तो हम आगे बात करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ONGC जो है एक PSU महारत्न कंपनी है, जो कि इसमें जो टोटल वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड अदर स्टेट के लिए वैकेंसी है। और इसमें कंडीशन ये भी दे रखा है कि आप अगर उस स्टेट के आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी आप उस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जिस स्टेट के हों। आपके जैसे जो वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड, इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो उत्तराखंड में वैकेंसी है वो टोटल 20 वैकेंसी है। महाराष्ट्र के लिए 263 वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड। और गुजरात के लिए टोटल 318 वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग पोस्टों पर। झारखंड के लिए 23, दिल्ली के लिए फ्रेंड 10 वैकेंसी है, गोवा के लिए 4 वैकेंसी है, राजस्थान के लिए 38 वैकेंसी है, असम के लिए 164 वैकेंसी है, त्रिपुरा के लिए टोटल 66 वैकेंसी है अलग अलग पोस्टों के लिए फ्रेंड, और वेस्ट बंगाल में टोटल 10 वैकेंसी है। तो फ्रेंड, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, बस अगर इन स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ONGC एम्प्लॉय कैंडिडेट हैं वो इस फार्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के क्यों ना हो। तो ये क्राइटेरिया इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसको नहीं भर सकते हैं, वही कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इन स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। और इसके अलावा फ्रेंड, हम बात करते हैं ब्रांच वाइज कि किस ब्रांच में कितनी टोटल वैकेंसी दे रखी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो सिविल ब्रांच है, सिविल ब्रांच के लिए टोटल 24 वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी में बात कर रहा हूँ फ्रेंड, जो टोटल सभी स्टेट में मिलाकर। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 70 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 74, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 44 है, केमिकल प्रोडक्शन के लिए 85 वैकेंसी है, ड्रिलिंग के लिए 17 है, और बॉयलर अटेंडेंट के लिए टोटल 28 वैकेंसी है। ये जो पोस्ट पे वैकेंसी फ्रेंड है, जूनियर इंजीनियर एंड डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है फ्रेंड। अब बात करते हैं जो ITI टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, फीटर के लिए है 48 वैकेंसी, वेल्डर के लिए 34 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन के लिए 66 वैकेंसी, डीजल मैकेनिक के लिए टोटल 28 वैकेंसी है। इसके अलावा फ्रेंड, फायरमैन के लिए भी इसमें वैकेंसी दे रखी है। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो क्राइटेरिया दे रखा है फार्म अप्लाई करने का, क्या क्या क्राइटेरिया है और फीस इसमें जो फ्रेंड है, इसमें एग्जामिनेशन फीस 300 रुपये है। जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट है उनको 300 रुपये एग्जामिनेशन फीस देना होगा। इसके साथ SC ST के लिए इसमें कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है फ्रेंड। अब आगे बात करते हैं इसमें जो सैलरी ग्रेड पे दे रखा है, वो दे रखा है जो FM एंड जूनियर इंजीनियर पोस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए जो ग्रेड पे है 39,000 से 98,000 तक ग्रेड पे है। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसके लिए जो ग्रेड पे है वो 26,600 से लेकर 87,000 ग्रेड पे है फ्रेंड। और फायरमैन W1 लेवल के लिए 24,000 से लेकर 57,500 है। इसके अलावा फ्रेंड, जो क्वालिफिकेशन दे रखा है जूनियर इंजीनियर के लिए, उसमें डिप्लोमा 3 डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में होना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड, अगर आप बॉयलर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बात कर लेते हैं जो टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपके पास हाई स्कूल, इसके साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड टेट सर्टिफिकेट। आप जिस पोस्ट से फॉर्म भर रहे हैं उसके पास उस टेट से संबंधित आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लेकिन इसकी जो फिजिकल फिटनेस दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो जूनियर फायरमैन के लिए जो फिटनेस मांग रखा है फ्रेंड, वो कैंडिडेट 1.68 उनका 1.68 उनका हाइट होना चाहिए और जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। इसके साथ अगर कोई फीमेल कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई करती हैं तो उनका 1.52 होना चाहिए हाइट। इसके अलावा फ्रेंड, जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए दे रखा है वो 1.67 दे रखा है और इसमें जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब फ्रेंड, जो जूनियर इंजीनियर के लिए दे रखा है उनका आँख, उनके फिटनेस के लिए इसमें क्राइटेरिया नहीं दे रखा है फ्रेंड। इसमें दे रखा है सबसे पहले उनका आँख सही होना चाहिए, उनका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड, जो जूनियर फायरमैन के लिए 800 मीटर की रन 4 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 6 मिनट में दे रखा है। और इसके अलावा फ्रेंड, हम इसमें आगे बात कर लेते हैं इसमें जो एज लिमिट दे रखा है, एज लिमिट जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए है, इसमें जनरल OBC के लिए 30 साल, जनरल के लिए 30 साल, OBC के लिए 33 साल, SC ST के लिए 35 साल दे रखा है।
इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 28 साल, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 31 साल, एससी के लिए 33 साल करते हैं। इसमें जो सिलेक्शन मेथड दे रखा है इसमें सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपका जो 80% मार्क है आपके टेक्निकल जिस ग्रेड से हैं उससे क्वेश्चन रहेंगे, 20% आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे वो हम बात कर लेते हैं। इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा फ्रेंड वो अगर आप देहरादून यानी उत्तराखंड के कैंडिडेट तो आपका देहरादून में बनेगा, अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन का तो आपका दिल्ली बनेगा, अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में बनेगा फ्रेंड, गोवा के लिए गोवा में ही बनेगा, गुजरात के लिए फ्रेंड जो है सेंटर इसका गुजरात में रहेगा। और इसमें लैंग्वेज भी जो दे रखा है फ्रेंड वो हिंदी इंग्लिश और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज यहाँ पे रहेगा फ्रेंड। तो इस तरह फ्रेंड इस फार्म में काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है जो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए फार्म है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डिटेल देख सकते हैं। अगर आप इसके क्राइटेरिया से मैच करते हैं तो आप इस फार्म को जरूर अप्लाई करें क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड और बिल्कुल फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस में नहीं मांग रखा है। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा।